गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CGP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड क्विज। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल, कैसे खुद से पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसमें से कौन किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण पता है किसका होता है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, मतलब जो बच्चे को केंद्र में रखा गया है। इसमें किसको? बच्चे को, खुद से ही पहल कर रहा है। ठीक, मतलब इसे पता है खोजने वगैरह वाली विधि कहेंगे, जो कि जॉन डीबी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पर जो आधारित है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। सार्थक अधिगम कौन सा होता है? सार्थक मतलब अर्थ निकल रहा है ना इसमें। अर्थ किसमें निकलता है? जिसमें सक्रिय निर्माण होता है। किसका? संरचना, ज्ञान की संरचना का। ठीक है, आंसर होगा ए। और इसी की बात कौन कहता है? इसी की बात कहता है प्याजे। ठीक है, बच्चे ना नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे प्याजे क्या कहता है? नन्हे वैज्ञानिक मानता है बच्चों को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पंचशील सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का पंचशील सिद्धांत दिया था मैक्रो और कोष्ठा ने। इसने जो पंचशील सिद्धांत है ना, ये सेवले PF जो कैटल की है, इसमें से ही निकाल लिए थे 5 इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक ट्रेड थ्योरी दी है आसुबेल ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। सबसे पहला व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो हिप्पोक्रेटस ने किया था, और इनकी किताब का नाम है नेचर ऑफ मैन। ठीक है, याद रखना। 4 तरीके का बताया था, काला, पीला, बात और कफ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को क्या कहते हो बताओ? अपसारी चिंतन को कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होती है अभिसारी, और अपसारी क्या होती है? डाइवर्जेंट। तो इसमें ना प्रभाव होता है, नम्यता, मौलिकता सब होती है, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, एरिक्सन के 3 R। देखो, एरिक्सन की ये किताब आपने पढ़ी होगी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 8 स्टेज बताई इन्होंने, न्यू फ्राइड बोलते हैं इन्हें, क्योंकि फ्राइड के शिष्य थे ये। इन्होंने 3 R और दी। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कर्मकांड, कर्मकांडता और कर्मकांडवाद, ये तीनों दिए, तो आंसर हो जाएगा ABC। और इसमें कौन सा नहीं दिया है वो पूछा था, तो उसमें डी नहीं दिया है। ठीक है, देखो 100 क्वेश्चन आएंगे DSSSB में, याद रखना। फालतू की वीडियो जो देखोगे ना आप लोग, 1 घंटे की वीडियो देख ली जिसमें 10 क्वेश्चन करा दिए, उनसे कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन चाहिए DSSSB में, और स्पीड बहुत चाहिए, तो स्पीड ऐसी वीडियो से बनेगी। ठीक है, तो कंटिन्यू देखना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गणित की एक बच्चे की कमजोरी, गणित की क्या, किसी भी चीज़ की कमजोरी का पता लगाना हो ना, तो हमेशा याद रखना नैदानिक कार्य करते हैं। कैसा? नैदानिक। नैदान को याद करो, पहचान, किसी भी बच्चे की कमजोरी की पहचान इससे करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं। अब ये दोनों किसके भाग हैं? ये दोनों हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% होता है ऐप से फॉर्मेटिव, और ऐप से ही क्या मिलता है, इसमें फीडबैक मिलता है। 40% ये हो गया, तो 60% भी तो आ रहा होगा मन में, क्या होता है, तो वो होता है सबमिटिव असेसमेंट 60%। इसमें बच्चे को रैंक वगैरह दी जाती है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए। त्रुटियों का अध्ययन करने क्या पता पड़ेगा? उपचारात्मक रणनीति बनाएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्वलीनता। स्वलीनता में शामिल क्या होती है? स्वलीनता के बच्चे ना दूसरों से संपर्क में असमर्थ होते हैं, और ये स्वलीनता की बात पता किसने कही थी? क्रेमर ने करी थी, HTET में आया था अभी ये जनवरी में जब मैंने दिया था। स्वलीनता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ये भी याद रख लेना। स्वलीनता को इंग्लिश में ऑटिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आनुवंशिकता से तात्पर्य होता है गुणसूत्र और जीन्स। गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं। ठीक है, या 46 भी बोल सकते हैं, जोड़े में होते हैं तो गुणा 2 कर दो तो 46 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा, जीन्स शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, ये भी आता है बहुत, याद रखना। नेक्स्ट, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई? तो 5 बताई हैं। कौन कौन सी? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनल, मुखी, मुद्दी, लैंगिक, सुप्ता, जननेंद्रिय, ऐसे भी याद कर दो। जो तीसरी अवस्था है ना इसकी, इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ओडिपस होती है लड़के के अंदर, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी से प्रेम करने लग जाता है। इलेक्ट्रा होती है लड़की के अंदर, तो वो अपने पापा से प्रेम करने लग जाती है। जब ओडिपस लड़के में है और वो मम्मी से प्रेम कर रहा है, तो ये इसका वो कौन होगा, प्रतिद्वंदी कौन होगा? इसके प्रतिद्वंदी होते हैं इसके पापा, अपने पापा को प्रतिद्वंदी मानता है। और ये लड़की किसको मानेगी प्रतिद्वंदी? अपनी मम्मी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। मनोलैंगिक के अलावा मनोविश्लेषण सिद्धांत भी नहीं कही, अत्यात्मक मनोविज्ञान भी नहीं कही। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान के जनक भी यही कहलाते हैं। ठीक है, इतना सब याद रखना। नेक्स्ट, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसकी रचयिता है एरिक्सन, ऊपर ही बताया था। फ्राइड की किताब है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इनका ये एक शिष्य है यंग, उसकी किताब का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप और द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्सियस। ठीक है, जॉन डीबी की किताब है हाउ वी थिंक और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। वॉटसन व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद दिया, और व्यवहारवाद से रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ये बहुत पूछी जाती है।
ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रख लेना कि व्यवहार शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। इनकी किताब का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा लग रहा हो इस तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाना तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो थोड़ा सा। छात्रों को श्रुतलेख लिखवाने का अर्थ होता है उनकी अशुद्धियों को, किसकी, बर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना, आंसर होगा डी। श्रुतलेख मतलब होता है सुन के लिखना। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, आदर्श लेख के लिए क्या करते हैं, तो अनुकरण विधि, मतलब अच्छे लेख के लिए अनुकरण विधि का प्रयोग कराते हैं। मौन वाचन किस में होता है, मौन वाचन होता है गद्य में, किस में होता है गद्य में। मौन वाचन दो प्रकार का होता है, द्रुत और गंभीर। ठीक है, आंसर हो जाएगा गद्य में। गद्य में क्या आती है, कहानी। पद्य में क्या आती है, कविता। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गृह कार्य में प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जब भी आप गृह कार्य देते हो ना उसमें एक या दो प्रश्न होने चाहिए, या यहाँ ऑप्शन में एक दे रखा है तो एक लगा के आओगे, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा लगा हो ना क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर करना ना यार, मेहनत अच्छी लगती हो तो, इतनी सारी मेहनत, अपना सही बता रहा हूँ, काम छोड़ के ना, पढ़ाई छोड़ के 2 घंटे आप लोगों के लिए निकालना, हिंदी की वीडियो देखा करो सुबह। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सहायक सामग्री, तो ये होती है दृश्य, कैसी हो, दृश्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि। देखो अगर ये दोनों पूछ ले तो ये प्राथमिक स्तर की, याद रखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर आप करते हो तुलना, क्या करते हो तुलना, और तुलना विधि में दो कविताओं को एक साथ तुलना की जाती है। नेक्स्ट, लेखन की कौन सी विधि में अध्यापक वर्णों के टुकड़े करके उन्हें फिर जोड़ के मिलाता है, तो ये करता है पेस्ट। आप पेस्ट कर दो दोनों, दो टुकड़े इन दोनों को पेस्ट कर दो। जैसे देखो मैं बताऊँ, जैसे आपको का बनाना है तो देखो ये इस तरीके का दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, अब इन तीनों को जोड़ दो तो बन जाएगा का, ये होती है। मॉन्टेसरी कहाँ की थी, इटली की थी। साचर विधि इनकी है, इन्होंने इंद्रियों पर जोर दिया, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, ठीक है, और 3 से 7 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, चेक टॉट विधि में बच्चा खुद अपनी गलतियाँ देख देख के सीखता है, खुद अपनी गलतियों को चेक करता है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बालकों के सुलेख के लिए कौन सी योजना, ये है सुलेख लेखन की प्यास जलाओ, ये इंडियन एक है, उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असत्य है, तो देखो 3 पॉजिटिव प्लस 1 नेगेटिव मिल जाए ना उसे ही आप मान लेना, तो एक ही नेगेटिव है बाकी 3 पॉजिटिव है। अब देखो अगर आपको अच्छी CDP करनी है ना तो इन तीनों को लिख लेना एक जगह, ठीक है, और फिर ना थोड़ा उसी हिसाब से उन्हें थोड़ा रिवाइज करते रहना, ये तीनों पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी त्रुटि पाठ की, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या नहीं आता, देखो ज्ञानात्मक ये ज्ञान दे रखा है, ज्ञान दे रखा है, ज्ञान 3 जगह, मगर ये नहीं दे रखा, तो भाषा और साहित्य की रुचि लेना, ये सब ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं। 3 उद्देश्य हैं, ज्ञान भाव और क्रियात्मक। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित और मौखिक दोनों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, आगमन प्रणाली में क्या करते हैं, आगमन प्रणाली में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन प्रणाली किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नियमन प्रणाली किस पे आधारित होती है, प्रयोग पे आधारित है। जैसे नियम दे दिया मैंने आपको तो नियम का क्या कर लोगे आप, प्रयोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मौन पाठन। मौन पाठन से क्या होता है, मौन पाठन से ना गहन अर्थ को ग्रहण करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मौन पाठन किस क्लास से स्टार्ट होता है, 3rd से। 3rd ऑप्शन में ना हो तो 4th लगा के आ जाना, ठीक है। निगमन प्रणाली से तात्पर्य क्या है, कि पहले नियमों को बताकर फिर उसकी व्याख्या करो, निगमन में ही होता है। नेक्स्ट, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय, ये सब मातृभाषा में हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा ये दे रखा है किसके, सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप दे रखे हैं। DD तिवारी इंडिया में इसके लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो टीचिंग के लिए 36 मिनट के इंडिया में, और ये किस में, अमेरिका में एलन ने दी थी, कितने मिनट की, 45 मिनट की साइकिल, ये सब याद रखना, ठीक है। और एक विश्वविद्यालय, थोड़ा सा दिमाग में से उतर रहा है, अमेरिका का विश्वविद्यालय, वहाँ सबसे पहले हुई थी, अगर किसी को याद आ रहा हो ना कि माइक्रो टीचिंग किस विश्वविद्यालय शुरू हुई थी तो बताना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है, अध्यापक ने बोल लिया, अध्यापक ने क्या कर लिया, आदर्श वाचन कर लिया, फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण विधि, अनुकरण वाचन। अभी अनुकरण और व्याख्यान विधि दोनों किसने दी, प्लेटो ने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता कौन सी होती है, इनका एक ही उत्तर होता है। अब देखो इसका जो ये क्वेश्चन है ना, ये इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने होते हैं। एक बार आपको आंसर ये भी मिल सकता है कि रिलायबल होते हैं, इसके रिलायबिलिटी होती है, मतलब एक बार जो आपको 10 नंबर मिल गए ना तो अगली बार भी और कोई चेक करेगा 10 ही नंबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता के लिए ना आप लोग क्या करते हो, ग्रामोफोन का यूज करते हो, ठीक है। एडिसन ने इसका आविष्कार किया था, बल्ब का भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की शिक्षा किसको दी जाती है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, आप अभिव्यक्ति कर सको अपनी, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बात कह सको। मौन वाचन का प्रकार कौन सा होता है, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। नेक्स्ट,
भाषा शिक्षण के प्रारंभिक कौशल सुबोपली, इसे याद करो सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। क्वेश्चन नंबर 28, जवाब दोगे आपके कितने कौशल होते हैं ये भी बताना। चार कौशल होते हैं, पांच होते हैं, यही बता दो आप, मान जाऊंगा कि हाँ पढ़ रहे हो थोड़े से। अध्यापक की सहमति में सिर, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किसके अंतर्गत आता है? देखो शब्द तो बोल नहीं रहा है तो शाब्दिक होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक हो जाएगा, आंसर सी बी हो जाएगा आंसर। समस्या के अचानक समाधान, अचानक समाधान किस में आता है? सूज में आता है। सूज किससे आता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किसने दिया? बर्दीमर लेके आया, ठीक है। और कब लेके आया? तो 1912 में। इनके साथी कौन थे? कोहलर और कोफका। कोफका की किताब का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ठीक है याद रखना। और कोहलर की किताब का नाम क्या है? द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किए थे, याद रखना। संवेदना की पहली सीढ़ी क्या होती है बताओ? मानसिक, मन में चलता है संवेदना। नेक्स्ट, सूज, सूज द्वारा सीखने पे कौन आधारित है? तो ये देखो, ये आप जवाब देना क्वेश्चन नंबर एक का, ठीक है। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष है, देखो एम ए अपॉन सी ए लगा देना, इंटू 100 कर देना, 12 बटे 10 गुणा 100, ठीक है। तो 10 से ये कट जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मानव विकास किसका परिणाम है? मानव विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम और वातावरण का, ठीक है। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने कही है। नेक्स्ट, और वुडवर्थ ने क्या दिया है बताओ? प्रश्नावली विधि दी है। अगर प्रश्नोत्तरी कहे, प्रश्नोत्तरी तो ये किसने दिए? सुकरात ने दिए, ये याद रखना, अलग अलग है, प्रश्नावली वुडवर्थ की, प्रश्नोत्तरी सुकरात की। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित होता है इन सभी से, अधिगम करता और ये सब, अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंखला अधिगम ये दिया था किसने? रॉबर्ट गैने ने। 8 प्रकार बताए थे इसके, ठीक है। सबसे पहले किससे? सिग्नल लर्निंग से शुरू होता है, जो पावलो का दिया हुआ, ठीक है। किशोरावस्था बड़े तूफान तनाव की ये, हल्ला बचाओगे तो तनाव तूफान होगा ही, ठीक है ऐसे याद करो। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऊपर ही बताया था, वाटसन ने किया था, ठीक है। सृजनात्मकता किससे? सभी चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे? रटने से कभी भी कुछ नहीं होता, अनुभव और नवीन अर्थ खोजने से होगा। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या नहीं होता? तो ये सजीवों में विभेदन करने की क्षमता, इससे कोई मतलब नहीं, ये संवेगात्मक बुद्धि की बात है। डेनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें बताई है, 5 प्रकार की बताई है, इन्हें याद रख लेना। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसका है? आसुबेल का है। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने, याद रखना। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, इंद्रियजनित, पूर्व संज्ञात्मक, मूर्त और अमूर्त, याद रखना है, ठीक है। प्याजे की किताब का नाम है चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। एक और है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो साचर नहीं है, साचर क्या है? ये तो विधि है मॉन्टेसरी की, ठीक है। क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं? जैसे किसी लड़की की ना के पास मतलब हाइट कम है तो वो सैंडल पहन लेगी, या ऐसे समझो किसी के ना सिर पर कोई निशान पड़ गया है तो वो क्या करेगा? बालों से छुपा लेता है उसे, अपने बालों से ढक लेता है उसे, ठीक है। प्रतिगमन क्या होता है? बच्चे जैसे मतलब पुरानी अवस्थाओं में, यादों में लौट जाना, कैसे? जैसे बच्चों की तरह रोने लगना, इस तरीके से। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगे तो बताना, एक बार बताना आपका रेस्पॉन्स कैसा रहा, आप कुछ बदलाव करवाना चाहते हो वीडियो में तो वो भी बताना, और प्लीज़ थोड़ा एक बार सपोर्ट करना, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो DSSB में ना 200 क्वेश्चन है। टाइम सबसे बड़ी बात है, कितना जल्दी करता है, जो करेगा उसी का सिलेक्शन है, इसमें स्पीड का सारा खेल है। अपने अपने को ध्यान रखना, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।